हेलो दोस्तों, मैं अभिमन्यु महतो आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आरब स्पोर्टिंग के इस मैच पर। और ये मैच, जैसे कि आपको पता ही है, ये मैच जनहित संघर्ष समिति गोपालपुर बड़ा बम्बू का फाइनल मैच है और दोनों ही टीम फिलहाल फाइनल में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। ये बंकर साहब मौका बनाते हुए, लेकिन डिफेंडर के द्वारा क्लियर किया गया है और फिलहाल काउंटर अटैक में है सिक्के पी की टीम। ये राइट छोर से डाला गया बॉल और एक कीपर के कीपर गलती कर चुके थे, अच्छे कीपर हैं। ये छोटी छोटी पास से बंकर साहब बढ़ते हुए पास देना चाहा, लेकिन बॉल तक नहीं पहुंचे। ये थोरो का मौका है सीके पी के, फिर से थोरो करेंगे। ये लंबा शॉट लगाना चाह रहे थे लेकिन गलत शॉट। ये क्लियरेंस आया है डिफेंडर द्वारा और सीके पी की टीम के डिफेंडर भी क्लियर कर चुके हैं बॉल को, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये खतरा हो सकता है, नहीं, ये निकाल गए हैं बॉल को लेकिन खतरा टली नहीं है। ये जोरदार भरा शॉट, अरे ये क्या, अरे मतलब कि डी बॉक्स में फॉल, यानी कि बंकर साई को डायरेक्ट पेनल्टी का मौका मिल चुका है। एक सुनहरा अवसर है बंकर साई की टीम के, और ये बंकर साय की ओर से जर्सी नंबर 9 फिर किक लेने गए हैं। कप्तान ने उन पर भरोसा जताया है। अगर ये गोल होता है तो लगभग वो 51 यानी कि 50,000 के करीब 50,000 आपके झोली में आ जाएंगे। क्या गोलकीपर को चकमा दे पाएंगे जर्सी नंबर 9, देखते हैं। अरे ये तो सुंदर चकमा भाई, काफी सुंदर चकमा दे बैठे। और इसी के साथ बंकर साई की टीम 1-0 की बढ़त ले चुकी है। और क्या मैच में वापसी होगी, देखते हैं। अगर खेल का प्रदर्शन अच्छा रहा इनका, दबाव फिलर प्रेशर में रहेंगे सीकेपी की टीम, क्योंकि 1-0 से पिछड़ रहे, तो अगर प्रेशर को सही से झेल लेंगे तो वापसी हो सकती है। और ये अटैक में है लेकिन कोई फायदा नहीं।
ये लीजिए छोटी छोटी 500 सब अटैकिंग के मूड में फिलहाल सीकेपी की टीम। 9 नंबर के जर्सी आगे बढ़ते हुए सुंदर चकमा, और ये छोटा सा पास, और यही, और ये खतरा हो सकता था और फिर भी खतरा टला नहीं है, लेकिन ये कॉर्नर के रूप में फायदा मिला है। यहाँ पर क्या गोल हो सकता है? नहीं भाई, क्लियर कर बैठे डिफेंडर, लंबा शॉट। ये फॉल किक का मौका मिला है सीकेपी की टीम को, डिफेंडर आ गया है फॉल किक लेने के लिए, मैन डिफेंडर सीकेपी की। ये कहाँ बॉल? फिलहाल सीकेपी के कब्जे में, और ये चकमा गति भरे प्लेयर हैं, गति है इनके पास काफी। क्या स्कोर 200 कर पाएगी बंकरा सा, या फिर सीकेपी की टीम बराबरी करेगी 1-1 की? ये इसका नतीजा तो आप सबको बाद में पता चलेगा, आप मैच देखते रहिए, और जो भी मेरे दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। लेकिन यहाँ पर मौका बनाते हुए सीकेपी की टीम, और ये लीजिए 2-0 की बढ़त, और कौन? जर्सी नंबर 9, यानी कि 2-0 की बढ़त बना चुके हैं, और मुझे पूरी तरह भरोसा लग गया कि उनको इस मैच का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। मैन ऑफ द मैच में भी काफ़ी अच्छा पुरस्कार रखा गया है, और ये लीजिए रेफरी द्वारा मध्यतर की घोषणा। Thank you.
मौका बनता हुआ लेकिन डिफेंडर द्वारा क्लियर है, काफी जोरदार। और ये लीजिए मैच समाप्ति की घोषणा, और मैच समाप्त हो गया, ये मैच जीत चुकी है बंकरसाई की टीम। तो दोस्तों पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, तब तक के लिए जोहार।